देखिए, आगामी इलेक्शंस को देखते हुए लगातार इलीगल फायर आर्म्स के अगेंस्ट में कार्रवाई की जा रही है। ये ऑपरेशन सिकंजा के तहत एडिशनल एसपी सिटी और उनकी पूरी टीम लगातार जो इस प्रकार के आरोपियों की ट्रैकिंग कर रहे हैं। कल लेट नाइट इन्फॉर्मेशन मिली थी थाना प्रभारी गोगामा को कि इस प्रकार के स्मगलर हैं जो कि न केवल बनाते हैं इलीगल आर्म्स बल्कि उनको कलेक्ट करके सप्लाई भी करते हैं। उनके मूवमेंट की जानकारी थी और जानकारी के आधार पर लेट नाइट रेड की गई और रेड के दौरान इसमें दो आरोपी अरेस्ट हुए हैं। एक उपकार सिंह है जो कि काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, दूसरा उसका साथी है जो कि माइनर है। इनके पजेशन से 29 इलीगल फायर आर्म्स जब्त हुए हैं और इनको पुलिस रिमांड लेके बाकी इनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लगातार खरगोन पुलिस 2023 में कुल 78 इस प्रकार की रेड्स की गई हैं। 78 आरोपियों से 304 इलीगल फायर आर्म्स अभी तक जब्त किए गए हैं। इनके जो हाइड आउट्स हैं और इनकी जो फैक्ट्रियां हैं उनसे बड़ा मात्रा में हथियार बनाने का सामान भी सीज किया गया है। इसके अलावा जो रासुका की कार्रवाई है वो भी विगत दोनों एक स्मगलर के खिलाफ की गई थी, अजय सिंह के खिलाफ। माननीय एडवाइजरी बोर्ड ने भी उसको कन्फर्म किया है। इस प्रकार न केवल फायर आर्म्स की जो क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है बल्कि उनके अंगेज में इस प्रकार के लीगल फायर आर्म्स पर लगाम लगाई जा सके और जो भी लोग एफकॉन्डर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।